अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज जो है हम स्टार्ट करते हैं द यूनाइटेड नेशंस, यूएन पढ़ रहे हैं हम। 18 चैप्टर है ये एसएसटी का आपका। इसमें देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार में पीस, शांति बनाए रखना और सुरक्षा की भावना जो है वो बनाए रखना, उसको मेंटेन करना। जो यूएन है, जो यूनाइटेड जो नेशन है, उनका ये क्या होता है, काम होता है, ठीक है। एंड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो राष्ट्र है उनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, वो फ्रेंडली हो, मित्रता पूर्वक जो उनका व्यवहार हो वो हो, उसको विकसित करना, मित्रता पूर्वक जो भावना होती है मित्रतापूर्ण, उस चीज को और भी विकास करना, डेवलप करना, ये उनका काम होता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नेशंस इन द पीसफुली एंड कोऑपरेटिव मैनर। सारी जो समस्याएं होती हैं राष्ट्र की, शांति से उस चीज को कॉपरेट करना और उस चीज को सुलझाना, है ना। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमंस के जो राइट होते हैं, इंसान के जो मानव अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा देना। और फ्रीडम ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द रेस, और जो फ्रीडम है, उनकी स्वतंत्रता जो है उनकी जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, और जो मेल या फीमेल ऐसा कुछ ना हो, पार्शलिटी ना की जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना इनका कर्तव्य होता है। टू हेल्प द मेंबर नेशंस टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। ये मेंबर्स की मदद करना राष्ट्र की, कि वो जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, सॉल्व कर पाए, प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट है देखिए, ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ऑर्गन्स क्या होते हैं यूएन के? द यूनाइटेड नेशन डज नॉट मेक लॉ फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो कोई कानून नहीं बनाते अपनी मेंबर्स कंट्रीज के लिए। इट डज नॉट इम्पोज, वो ना तो इम्पोज करते हैं, ठीक है, टैक्सेस, उनके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। इन यूनाइटेड नेशन द इश्यूज एंड प्रॉब्लम आर डिस्कस टू फाइंड एमिसबल। जो कहते हैं ना कि बहुत ही वो जो डिस्कस करते हैं उस चीज को, बहुत ही ज्यादा एमिएबल नेचर जिसे होता है ना, जैसे कि बहुत ही व्यवहारपूर्ण तरीके से, तो ऐसे वो डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं बैठ के। द यूनाइटेड नेशन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू, वो जो अपना नेशन अपना काम है वो जो है 6 मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं विच आर एज अंडर, वो सारे जो है इनके अंडर में आते हैं, जिसके कंट्रोल में रह के वो ये सारी जो चीजें हैं वो करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा द जनरल असेंबली। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट इज लाइक द पार्लियामेंट। ये एक पार्लियामेंट की तरह होता है, और इसका जो मेन ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का, मेन ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का, एवरी मेंबर नेशन हैज वन रिप्रेजेंटेटिव इन इट। हर मेंबर जो होता है राष्ट्र का, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है। ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज द राइट ऑफ द वोट इन द जनरल असेंबली, उन्हें जनरल असेंबली में वोट का अधिकार होता है। इट मीट्स एट लास्ट वंस इन अ ईयर, वो साल में एक बार जरूर मिलते हैं, इन अ मंथ, महीने में, और नवंबर में। द सिक्योरिटी काउंसिल देखी, इट वर्क्स फॉर सिक्योरिटी एंड नेशनल पीस, ये काम करती है सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, और नेशनल शांति के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। इट हैज 15 मेंबर, इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर, इसमें 5 जो मेंबर्स होते हैं बच्चों वो परमानेंट होते हैं, एंड द अदर 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर, और जो 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो यूएसए होते हैं, रशिया के होते हैं, यूके के, फ्रांस के, और चाइना के होते हैं। अब देखिए सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट क्या होता है? इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड 5 ईयर्स, जो ये सेक्रेटरी जनरल है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, एंड इट इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट, ये सेक्रेटरिएट का हेड होते हैं।
एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन में ये बहुत ही पावरफुल पर्सन होते हैं. एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल. गुटेरेस जो है एंटोनियो, ये सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के. द सेक्रेटरिएट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज. जो सेक्रेटरिएट होते हैं वो भी देखते हैं प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो नीतियां होती हैं. अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जैसे कि अदर नेशन होते हैं, अदर जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो देखते हैं, ऐसे ही ये भी नीतियां जो बनाई जाती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो सारे चीजों का, इन चीजों का ये भी ध्यान रखते हैं. तो बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे. अभी बच्चों देखिए आपको क्या करना है, अभी जो यूनाइटेड नेशन के हैं, है ना, जो लोगो होता है यूनाइटेड नेशन का है, जैसे बच्चों होता है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का होता है, WHO का होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का होता है FAO जिसे बोलते हैं बच्चों हम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का होता है ILO, ठीक है. वो लोगो बच्चों आपको बनाना है, ठीक है, और उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको लिखनी है. जैसे WHO की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ऐसे ही FAO की क्या फुल फॉर्म होती है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ILO की क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ये इसका लोगो बनाना है और इसकी फुल फॉर्म लिखनी है और ये याद करनी है आपको. तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में.